तो हमारा चल रहा था स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होंगे, मतलब वैसा रेक्टेंगल। कंडीशंस क्या हो गई हमारी, द रेक्टेंगल हुज ईच साइड, द रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। रेक्टेंगल हुज ईच साइड इज इक्वल इज नोन एज स्क्वायर। मतलब अगर ये चारों साइड्स हमारे इक्वल हो जाएं तो ये हमारा बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, फोर्थ नंबर हमारा है वो है रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें चारों साइड्स हमारे इक्वल होंगे एंड अपोजिट साइड पैरेलल होगा। मतलब क्या बनेगा, द पैरेललोग्राम हुज ईच साइड आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, मतलब ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें हर एक साइड जो होगा वो इक्वल होगा और अपोजिट साइड जो होंगे वो हमारे पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, रोम्बस, ठीक है। एंड लास्ट हमारी जो टाइप है वो है हमारा, सॉरी दो और टाइप है, एक रोम्बस के बाद हमारे पास आता है, इसको मैं पहले इसको मैं ठीक है तुम लोग उसमें इसको मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ तो ग्रुप में मिल जाएगा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ नंबर आएगा, फिफ्थ नंबर हमारे पास है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का मतलब क्या हो गया, वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड जो होंगे या एक पेयर ऑफ साइड जो होगा वो पैरेलल होगा और बाकी जो दो साइड्स होंगे वो नॉन पैरेलल होंगे। तो AB और CD यहाँ पे पैरेलल है तो मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स, द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज ट्रेपीजियम। द क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल इज नोन एज ट्रेपीजियम, ठीक है। तो मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो हमारे पास अपोजिट साइड्स होंगे, मतलब एक पेयर ऑफ साइड्स होगा वो, एक पेयर ऑफ साइड्स जो होगा वो अगर हमारा पैरेलल है, ठीक
ठीक है, वो अगर हमारा पैरेलल है तो हमारा जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बन जाएगा ट्रेपीज़ियम। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सिक्स नंबर, वो है काइट। पतंग सबने उड़ाया होगा, साइड में क्या होता है, जो पेयर ऑफ साइड्स है, दो पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बट पैरेलल नहीं होते, ठीक है। तो मतलब टू पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल बट नॉट पैरेलल, ठीक है। जो दो पेयर ऑफ साइड्स होते हैं वो इक्वल होंगे बट वो पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है। इक्वल तो होंगे बट पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास इसके कुछ प्रॉपर्टीज है या उसके कुछ थ्योरम्स है, वो सब चीजें हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला थ्योरम है, ये जो थ्योरम है उसी टाइप का है, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखो हमारा सेम लिंक रहेगा, इसके बाद में हमारा जो लिंक रहेगा वो सेम रहेगा, जो हमारा चला आ रहा है जो इस मीटिंग के लिए है। उस समय भी मैं एक बार दोबारा क्रॉस चेक करूंगा, जिन स्टूडेंट ने पूरा डिटेल लिखा होगा उन्हीं को क्लास में एंट्री मिलेगी, बाकी स्टूडेंट को क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। आज भी मैंने करीब करीब 10 स्टूडेंट को मैंने क्लास में एंट्री नहीं दिया, ध्यान रखना। जो स्टूडेंट क्लास में है बस यही ध्यान में रखना कि मैं किसी भी जो अनआइडेंटिफाई जो स्टूडेंट होगा उसको मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बनता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू पी 60 डिग्री, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमारा है, पैरेललोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गिवन हमारा हो गया ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, प्रूफ आसान है, तुम लोगों को भी सब पता होगा। एंगल ए इसको मैंने लिया 1, ये बना 2, इसको लिखा 3, ये बन गया 4। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इन ट्रायंगल बी सी डी
angle 2 plus angle C plus angle 3 equal to 180 degree. ये बन गया equation number 2. Adding 1 and 2, we get angle A plus angle 1 plus angle 2 plus angle C plus angle 3 plus angle 4 equal to हो गया 360 degree. 1 plus 2 and 3 plus 4. 1 plus 2 बनेगा angle B, 3 plus 4 बनेगा angle D. तो हमारे पास हो गया angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360. ठीक है? तो ये हमारा proof हो गया. ठीक है? Note कर लो. तो fast note कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है. और वो तो आराम से कर ही लेगा. जिसके जो जल्दी नोट नहीं कर पाए उसके लिए मैं वैसे भी वीडियो बना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो तुम लोगों को उसमें मिल जाएगा. चलो नेक्स्ट. Next theorem. A diagonal of a parallelogram को ऐसे शॉर्टकट में भी लिखा जाता है. दो पैरेलल लाइन और GM लिख लो. ठीक है? A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं. देखो पैरेललोग्राम है मतलब पैरेलल होगा, अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल होंगे. तो गिवन क्या क्या हो गया, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम विद एबी पैरेलल टू सीडी एंड AD parallel to BC. To prove triangle ABD, congruence to triangle CDB. ठीक है, दोनों ट्रायंगल congruent होंगे ये हमने प्रूफ कर. देखो यहाँ पे लाइंस पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा. सिंस एबी पैरेलल टू सीडी एंड बीडी इज अ ट्रांसवर्सल, बीडी इज अ ट्रांसवर्सल, इसको मैंने लिया एंगल वन, ये हो गया एंगल टू. तो क्या बना,
एंगल वन इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया. सिमिलरली सिमिलरली एडी पैरेलल टू बीसी. सिमिलरली एडी पैरेलल टू बीसी क्या बनेगा? इट इंप्लाइज दैट एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर. ये भी सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया. अब देखो यहां पे हो गया एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री एंगल फोर. ये बीच की जो साइड है ये कॉमन है. बी डी इक्वल टू बी डी, दिस इज कॉमन साइड. बी डी इक्वल टू बी डी, दिस इज कॉमन साइड. सो इट इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी बी by A S A congruence. ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो A S A congruency से congruent होंगे. ठीक है,